बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा टीटागढ़ थाना के करीब एक बिखप कर्मसूची का पालन किया गया। इस बिखप कर्मसूची के अंतर्गत झालमुड़ी और चाय बेचे गए। आपको बता दें कि टीटागढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा का ये बिखप कर्मसूची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान के विरुद्ध किया गया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के नौजवानों से दुर्गा पूजा के दौरान झालमुड़ी और चाय बेचने की सलाह दी थी। ये आज हम लोगों के मुख्यमंत्री स्टेज से खड़ी होकर बोल रही हैं कि दुर्गा पूजा के समय में आप लोग नवयुवकों को आप लोग झालमुड़ी बिक्री करिए, आप लोग चाय का दुकान लगाइए दुर्गा पूजा में, आप लोग आलू चप का दुकान लगाइए, आप लोग पानीपुरी का दुकान लगाइए, फुचका का दुकान लगाइए, ये इसी में आप लोगों का रोजगार होगा, इसी में आप लोग कोटिपति हो जाइएगा चार दिन दुर्गा पूजा के समय। एक मुख्यमंत्री जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, युवकों को कोई नौकरी नहीं दे पा रही हैं, कोई राज्य में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, कोई यहाँ पर कर्म संस्थान नहीं हो रहा है राज्य में, वो मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि जब अपने से ही सबको अपना रोजगार कर लेना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री को बोलने की क्या जरूरत है? कोई उनसे पूछ के फुचका का दुकान लगाता है क्या? कोई इससे पहले भी तो बातें हो गई थी, पीएम साहब ने कहा था कि आप पकौड़ा बेचिए और अपने संतान को चलाइए, ना उसी डगर पर ये चल रही है। अगर उसी डगर पर चल रही है तो फिर पीएम साहब का विरोध क्यों कर रही हैं? तब उनको तो उसी डगर पर चलना चाहिए था। पीएम साहब ने तो देश के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, ये तो बंगाल के लिए कुछ नहीं दे रही हैं। यहाँ तो खाली दुर्नीति दुर्नीति दुर्नीति, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा संस्था नहीं है जिसमें दुर्नीति नहीं हुआ। यहाँ तक कि बच्चों के लिए स्कूल में जो यूनिफॉर्म सेंट्रल से आया है उसको भी खरीदने में इन लोगों ने दुर्नीति किया है। उसमें भी ऐसा बिलो स्टैंडर्ड का कपड़ा इन्होंने टेरिलिन का खरीदा है कि बच्चे पहन नहीं पा रहे हैं, उसका भी इंक्वायरी हो रहा है। तो सोच लीजिए कि कहाँ किस स्तर पर ये लोग गिर चुके हैं दुर्नीति करते करते। युवाओं के लेके क्या स्टेटमेंट आप तो देख ही रहे सब यहाँ पर। जब एक सीएम, वो तो कोई पार्टी की सीएम नहीं है, वो तो बंगाल की सीएम है, सभी की सीएम है, मेरी है, आपकी है, सभी की है। जब एक सीएम खुद ऐसी बोली कि आप लोग चार दिन पूजा में मूढ़ी बेचिए, चटपटी बेचिए, चाय बेचिए, उस पैसे से कमाइए, उस पैसे से घर चलेंगे, कितना घर चलता है इस पैसे से? इस पैसे से घर कहाँ चलेगा? वो तो खुद एक लॉयर है, उनको तो ये जानना चाहिए ना कि चटपटी बेच के, मूढ़ी बेच के, चाय बेच के घर नहीं चलता है। घर चलाने के लिए रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट होके ऊपर पढ़ के लोग यहीं पर यही काम करे तो फिर क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट का रहने का? गवर्नमेंट का रहने का क्या काम है? क्या चाह रहे हैं? गवर्नमेंट नौकरी दे और क्या चाह रहे हैं? इतना जो धांधली हुआ है, अभी तो एक नौकरी है, ये सब बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है एक्सचेंज है जहाँ पर ये धांधली हुआ है। पुलिस से लेकर म्यूनसिपैलिटी से लेकर सब जगह यही हाल है, हर जगह पैसे लेकर पेपर बनवाकर एग्ज़ाम पास करवा कर हुआ है। ये तो एक टीचर में नहीं हुआ है, ये हर जगह यही हाल है। अभी तो एक खुला है, बहुत सारा बाकी अभी खुलने के लिए। हम लोग मजबूर होकर चाय बेच रहे हैं, यहाँ इतनी नौकरी की अभाव है लेकिन ममता सरकार सुनती नहीं है किसी की। यहाँ सिर्फ दुर्नीति की सरकार चल रही है, किसी भी यहाँ जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। बात देखो कितने आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन फांसी लगा रहे हैं। हम लोग इसी के खिलाफ में, आज सरकार के खिलाफ में हम लोग ये चाय और झालमुड़ी का हम लोग ये किए हैं, सरकार को मुंह पर तमाचा मारे हैं कि हमारे युवा वर्ग जो भी हैं आज उनके परिवार में लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ममता सरकार कुछ सुन नहीं रही है किसी की। और नहीं तो वो कहती है झालमुड़ी बेचो, ये करो ये करो, उल्टा सीधा भजन गाती है, हिंदू लोगों का अपमान करती हैं। एक धाराशाही सरकार की एक मानसिक विक्षिप्त जो उनका स्टेटमेंट था उसी के प्रतिवाद में ये प्रतीकात्मक रूप से हम लोग झालमुड़ी बेचे, क्योंकि युवा क्या करेगा ये मुख्यमंत्री तय कर रही है और उनके नेता क्या करेंगे उनके नेता तय कर रहे हैं। हमारी नौकरी को उनको नेता चोरी कर रहे हैं। जो पास किए हुए लोग हैं वो सड़कों पे बैठे हैं और उनके नेताओं के घर से करोड़ों करोड़ों मिल रहा है। तो अगर हम लोग झालमुड़ी नहीं बेचेंगे तो बंगाल कैसे सुधरेगा? तो दीदी बता रही है कि झालमुड़ी बेच करके ही सरकार को बचाया जा सकता है, अन्यथा उनकी सरकार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सारा पश्चिम बंगाल आज मैंने घोटाले घोटाले से ही परित्रस्त है, कई एक मंत्री जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री घबराई हुई है, क्या बोलना चाहिए अनाप शनाप बोल रही है, जिससे मामला सुधरने वाला नहीं बल्कि बिगड़ जा रहा है। बेकार युवकों को इस तरह का सलाह देना कि
आप उत्सव के दिनों में झालमुड़ी और सिर्फ सब चीज़ बिक्री करके और करोड़पति हुई है, जो बिल्कुल नामुमकिन है। इस परिस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा सारे पश्चिम बंगाल में यह एक सांकेतिक विरोध है, सांकेतिक विरोध करके और जता रहा है हमारा संगठन कि बंगाल में इस तरह से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। ये है आज का मूल विषय।